अस्सलाम वालेकुम, 28 न्यूज के साथ मैं हूं जुशान चौधरी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाहौर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ आलवी की तरफ से प्रोफेसर महमूद गजवनी मरकजी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान ने नेशनल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के तमाम अहदेदारों को अमन कमेटी पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें नेशनल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान चौधरी शहबाज रई, जाहिद चीमा, मोहम्मद शहजाद, आसिम राजा, लियाका चौधरी, जी एम कादरी, मियाँ जवेद, मलिक नवीद, हाजी अमजद, अजीम भट्ट, सुमेरा भट्ट, मियाँ शफाक, चौधरी इमरान, दानिश जवेद, शाहिद कादर वगैरह को कौमी अमन कमेटी अवार्ड दिए गए। ओकाड़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा और चेयरमैन उरीगा ग्रुप जमशेद इकबाल चीमा ने ओकाड़ा में उरीगा की फ्रेंचाइज अदनान एग्री कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमीन की तरखेजी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले किसान अपनी जमीनों का तजर्बा करवाए और फिर मुनासिब खादों का इंतखाब करे। तकरीब में नेशनल सेल्समैन उरीगा केमिकल्स हफीज रहमान, बिजनेस मैनेजर उरीगा केमिकल्स चौधरी शहजाद अंजम, रीजनल मैनेजर अशरफ आबिद चौधरी, सेल्स ऑफिसर अमजद फारूक, सोनी धरती इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी शाहिद इकबाल, बिजनेस डायरेक्टर चौधरी नवीद, जोनल मैनेजर सलमान सईद चट्टा, सिविल एक्स केमिकल्स के डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद इशफाक, रीजनल मैनेजर मोहम्मद अरशद, अदनान एग्री कॉम्प्लेक्स के ओनर मलिक मोहम्मद यूनस, मलिक कामरान यूनस और मलिक वकार यूनस और दीगर सेल्स स्टाफ ने शिरकत की। पाकिस्तान तरीके लब्बैक के बानी हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी को गुसल दे दिया गया है। कल सुबह 10 बजे नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में अदा किया जाएगा। तो लिख देना। जर्मनी में हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कल से सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर कोई आदमी बाहर घूमता नजर आए तो उसे 50 यूरो का जुर्माना किया जाता है। नाजरीन, इस वक्त जर्मनी की सूरत हाल बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है और इसमें जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो क्वारंटीन में चले गए। उन्होंने बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास एक क्वारंटीन सेंटर कायम किया है, वहाँ पे जो है वो लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो हर पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो पुलिस का जो है वो बहुत सख्त इस वक्त जो है वो कंट्रोल हुआ है और यहाँ पे जो है सूरत हाल इस वक्त जो है वो बहुत नाजुक चल रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रेमन सिटी में, जो कि ये जर्मनी का एक बहुत बड़ा शहर भी है और सूबा भी है और यहाँ 5 लाख की आबादी है तकरीबन। और यहाँ पे कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस फोर्स को ख़ास तौर पे टास्क दे दिया गया है और पब्लिक प्लेस पर जो है वो पुलिस तकरीबन हर वक्त मौजूद रहती है और अगर किसी ने मास्क ना पहना हो तो उसको उसी वक्त जो है वो मास्क फ्राहम किया जाता है और साथ ही उसको 50 यूरो जुर्माना किया जाता है। अलाइन साहब में जाने मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए 28 न्यूज़।